सोनीपत में किसानों ने ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाल आजादी के 78वें साल का जश्न मनाया। सोनीपत के गांव बड़वासनी से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान किसानों ने सरकार को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते किसानों की सभी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जो नतीजा लोकसभा चुनाव में हुआ है उससे बड़े नुकसान बीजेपी को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। देखो जी, 15 अगस्त पर आजादी के दिन हम बताना चाहते कि किसान आज भी उत्पीड़ित है देश की सरकारों से, पूंजीपतियों से। तो आज हम आज़ादी के साथ साथ हम दिखाना चाहते हैं कि आज किसान बहुत तंग है और अपने आर्थिक हालातों के कारण किसान आज सड़कों पे है और सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। उन चीज़ों को लेकर हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं और उसे बताना चाहते हैं कि हम सड़कों पे हैं जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी, जब तक लड़ाई जारी रहेगी। संदेश ये है, जो भी सरकार अनिति करना चाहिए किसानों के साथ, ये साफ संदेश है कि हमारे देश का पर्व भी 15 अगस्त, इसके लिए भी तिरंगा झंडा लगा है हर ट्रैक्टर पर। और सरकार जिस तरह की भी अनिति करेगी, ट्रैक्टर आज सोनीपत के रोडों में घूम रहा है, ये जल्दी आपको दिल्ली में घुमाई देगा। सरकार चाहे तो अपनी अट धर्मता से पीछे हट जाए, नहीं तो किसान हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है सरकार के साथ। वहीं इस किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लीड कर रहे किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने हरियाणा सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर MSP की मांग को नहीं माना गया तो वो बीजेपी को विधानसभा चुनाव में सबक सिखा देंगे। देखो, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पे आज देश भर में जिला स्तर पे ट्रैक्टर मार्च किए जा रहे हैं। किसानों की मांग है कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ये राष्ट्रीय पर्व है, हम सब के लिए खुशी की बात है, लेकिन सरकार को ऐसे मौक़ों पर यह भी सोचना चाहिए कि पिछले 77 सालों से चाहे कोई भी सरकार सत्ता में आई हो, उन तमाम सरकारों ने किसानों और मज़दूरों को उनके अधिकार और हक नहीं दिए। इसलिए अब समय आ गया है कि किसानों और मज़दूरों को भी उनके अधिकार दिए जाएँ, MSP गारंटी कानून बनाया जाए, इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, किसान मजदूरों का कर्ज माफ़ किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर जो 13 फरवरी से किसान आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के तहत आज ये देश भर में ट्रैक्टर मार्च हो रहे हैं। ट्रैक्टरों के ऊपर किसानों ने अपने संगठनों के झंडे और तिरंगे झंडे, देश के झंडे लगाए हुए हैं और आज पूरे देश में जिले स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे जो मोर्चे लगे हुए हैं मोर्चों पे भी हो रहे हैं। और हम तो एक बात ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आज हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन कई बार ये देख के दुख होता है कि अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा की भाजपा सरकार ने उन अधिकारियों को राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित करने के लिए सिफारिश भेजी थी, जिन अधिकारियों ने किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले चलाए, जहरीली गैसें चलाई, लेकिन उसके बावजूद जब पूरे देश में किसानों ने उसका विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, तो उसके बाद अभी जो एक कल खबर मिली है वो ये है कि केंद्र सरकार ने उन तमाम अधिकारियों के नाम खारिज कर दिए हैं जो हरियाणा की भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार को भेजे थे। और हम ये कहते हैं कि ये किसानों के दबाव के कारण हुआ और परमात्मा का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सद्बुद्धि दी है सरकार को कि उन्होंने इस तरीके का ये निर्णय था ये वापस ले लिया, अन्यथा अगर ऐसा होता तो हमारे देश के लिए वो काला दिन होता। आज़ादी की बात तो करते हैं पर किसान कहीं आज़ाद नहीं है। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, आप देखो 1995 से अगर हम बात करें, आज तक ऑन रिकॉर्ड 5 लाख किसानों ने आत्महत्या करी है और ऑफ रिकॉर्ड 20 लाख से अधिक किसान इस व्यवस्था से परेशान होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं। आज एक तरफ हमारे देश का अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का कर्जा छोड़ दिया जाए तो पूरे देश के किसानों के ऊपर लगभग 12 लाख करोड़ का कर्जा है। उस 12 लाख करोड़ के किसान मजदूरों के कर्जे को माफ करने की बात आती है तो सरकारें ये कहती है हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन इसी सरकार ने संसद के अंदर ये स्वीकार किया कि 8 सालों में बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज का 14,56,000 करोड़ रुपया NPA कर दिया गया, यानी एक तरीके से बट्टे खाते में डाल दिया गया। तो उनका पैसा माफ करने की बात आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब किसान मजदूर को उसका हक देने की बात आती है तो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। किसान मजदूर को भी कर्जा इसलिए हुआ है क्योंकि लगातार सरकारों ने जिस MSP का वादा किया था वो MSP किसानों को नहीं दिया, लेकिन अब किसान मजदूर जाग चुके। आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी पूरे हरियाणा में और पूरे देश में जो किसान मजदूरों के अंदर जो एक जागरूकता दिखाई दी, जो एक एकजुटता दिखाई दी, उसी का नतीजा ये रहा कि 400 पार की बात करने वाली भाजपा 240 पर सिमट गई, 10 में से 10 जीतने की बात करने वाली भाजपा हरियाणा में मात्र 5 तक सिमट गई। और अगर इन्होंने MSP गारंटी कानून नहीं बनाया तो हमें पूर्ण विश्वास है इस प्रदेश का किसान मजदूर जो एकजुट हो चुका है ये अपनी और भी ज्यादा एकजुटता को मजबूत करेगा और विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण तौर पे साफ करने का कार्य करेगा। बता दें कि किसानों ने लंबे समय से भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनकी सबसे बड़ी मांग MSP की लीगल गारंटी देने की है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।